हड्डियां भी हैं पड़ी हुई है यार विलेजर्स की हड्डी। ओ भाई साहब ये क्या अंदर, अरे यार यहाँ तो पेंटिंग्स वेंटिंग्स भी लगी हुई है यार, हड्डियों का ढेर है यहाँ पर। ये दूसरी टॉर्च भी लगी हुई है यहाँ पर, पता नहीं कौन सी टॉर्च है। ये देखो गाइस यहाँ पर स्कल्स की बरसात हो रखी है। अरे भाई साहब नहीं, तो गाइज हमारी डे टू हो चुका है, सॉरी नाइट टू हो चुका है। लेकिन भाई पता नहीं इसने मुझे मार के कौन सी वर्ल्ड में भेज दिया है यार। ये मोमो भी ना भाई, इसने उस नूब ने ना मुझे गलत फंसा दिया। ये देखना यहाँ पर कितने स्कल्स पड़े हुए हैं, बहुत भूतिया गाँव है यार। ये तो पता नहीं कहाँ कौन सी डायमेंशन में भेज दिया भाई इस मोमो ने। अरे यार खेती वेती भी हो रखी है, लेकिन लग रहा है इस मोमो ने सारे विलेजर्स को यहाँ पर मार के रखा हुआ है। खून वून भी फैला पड़ा है यार वो तो। अरे भाई साहब यार ये क्या है यार, यहाँ तो बहुत अंधेरा हो रखा है यार। मैं क्या करूँ, यहाँ से जाऊँ कैसे यार। हर हर घर में गाइस यहाँ पर खून पड़ा हुआ है और स्कल्स भी हैं, उनकी हड्डियाँ भी हैं पड़ी हुई हैं यार विलेजर्स की हड्डी। ओ भाई साहब ये क्या अंदर, अरे यार यहाँ तो पेंटिंग्स वेंटिंग्स भी लगी हुई है यार, हड्डियों का ढेर है यहाँ पर। ये दूसरी टॉर्च भी लगी हुई है यहाँ पर, पता नहीं कौन सी टॉर्च है। ये देखो गाइस यहाँ पर स्कल्स की बरसात हो रखी है। अरे भाई साहब नहीं, अरे ये तो यहाँ भी आ गई। ये ले शॉटगन भाई। ओ भाई साहब आखिरकार मैंने इसे मार ही दिया यहाँ पर। लेकिन गाइस कुछ होने की बात नहीं है, दोबारा से भी आ सकते हैं, देखते हैं क्या होता है अब आगे। तो गाइस हमें मोमो ने उस वक्त मार दिया था, तो हम दोबारा से अपने घर पर स्पॉन हो गए थे। और इस बार मैंने सोचा कि इस बार तो हम तीन दोस्त मिलके उस मोमो को मार देंगे। और इस बार हमने हमने सुना है अब हमारी वर्ल्ड में एक साइंटिस्ट विलेजर आया है जो देता है हमको एक स्वॉर्ड जिससे हम मोमो जैसी गर्ल को आराम से मार सकते हैं। तो हमने सोचा पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं और अपने तीन दोस्तों को बुला लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक दोस्त और दूसरे दोस्त को भी बुला लेते हैं यहाँ से जल्दी आ जाए। ओके तो हमें यहाँ पर तीनों दोस्त मिल चुके हैं और यहाँ पर हमारे ये अटैम्प्ट होगा कि हम उसको ज़रूर मार दें और चलें अब यहाँ पे। ओके तो गाइज हम जाते हैं अब साइंटिस्ट विलेजर के पास जो कि आस। ओ भाई साहब ये क्या है, अरे बच्चा क्रीपर क्यों आ गया यार यहाँ पे। अरे अरे उसको परेशान मत करो, चल तो हम चलते हैं। अरे भाई साहब इसका पापा आ गया, अरे यार इसका पापा आ गया, भागो 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 इसका पापा आ गया यार, भागो भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। ओके ये अरे यार ये तो हमारे पीछे आ रहा है यार, कोई ना कोई ओके शीप आई है हमारे पास बचाने के लिए। क्या ये मार पाएगी इसको? ओ भाई साहब इसने तो उठा लिया, इसने तो पापा क्रीपर को उठा लिया और इसने पटक दिया भाई इसने सही। थैंक यू भाई शीप, थैंक यू यार मार दिया तूने। अब चलो जल्दी से जाते हैं अपने साइंटिस्ट विलेजर के पास और ये बोलता है ओके ओके ये बता रहा है कि गाइज हमें एक नेदर स्टार लाना पड़ेगा जब ये इस वो स्वाट दे पाता है। ओके तो गाइज हम नेदर स्टार की खोज में निकलते। ओ वो रहा गाइज हमारा नेदर स्टार जो कि रैबिट के पास है और ये रैबिट बहुत फुदकता है, आप सभी को पता है इससे नेदर स्टार लेना कितना मुश्किल है। तो जल्दी से इसके पीछे पड़ते हैं। ओके ओके अब यार कहाँ भाग रहा है यार, दे दे चुपचाप। अरे यार ये म्यूटेंट ज़ॉम्बी क्यों आ गया भाई यहाँ पर, कोई ना कोई रुकावट गाइज आ रही है यहाँ पर, कोई भागो यार यहाँ से, भागो भागो जल्दी भागो। अरे नेदर स्टार भाग रहा है जल्दी आओ। अरे ये म्यूटेंट ज़ॉम्बी तो हमारे पीछे पड़ गया, ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा यार। नेदर स्टार भाग रहा है जल्दी आ जाओ, भाग भाग कर यार, चलो 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 चलो। अरे वो आ नहीं पाएगा यहाँ पर, चलो आ नहीं पाएगा। ओके ओ भाई साहब यहाँ पर हमें नेदर स्टार नहीं मिल रहा है गाइज, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, वो भाग चुका है हमारी नज़रों से उस म्यूटेंट ज़ॉम्बी की। ओ भाई साहब ये कौन है, अरे ये कौन। तो गाइज आज का दिन बहुत सुहाना था तो मैंने सोचा माइनिंग करने चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है गाइज। यहाँ पर देखना है एमरल्ड कौन देता है यार केव में, और ये मुझे भाई लाइन लाइन से क्यों मिल रहे हैं। चलो मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, आराम से विलेजर से ट्रेड करके उन्हें चूना लगाऊंगा। ओके जल्दी से सारे एमरल्ड्स तोड़ लेता हूँ यहाँ से भाई साहब, यहाँ लावा पड़ा है गाइज, यहाँ पर जल्दी से माइनिंग करके सारे एमरल्ड्स तोड़ लूंगा। ओके तो गाइज इस एमरल्ड को तोड़ने के बाद ऊपर भी एक लास्ट एमरल्ड है, उसको भी जल्दी से तोड़ लेता हूँ और आराम से। ओके विलेजर को, ओ गाई भाई ये डायमंड क्यों हिल रहा है, और ये डायमंड आया कहाँ से भाई साहब, ये कुछ चल रहा है यार यार। आज मुझे तुझे माइन करना है यार, डायमंड से बहुत माला माल हो जाऊंगा यार मैं। आजा आजा आजा, अबे यार भाग क्यों रहा है मेरे से, नहीं नहीं अरे मैं नीचे गिर गया यार चल। अरे भाई साहब यहाँ भी मोमो। तो गाइज उस मॉन्स्टर ने तो हमें मार दिया था और बहुत ज़्यादा रात भी हो चुकी है, तो मैंने सोचा जल्दी से अपने सारे जो मेरे पटेटो यहाँ पर उग चुके हैं तो उन्हें तोड़ लेता हूँ। गाइज आधी रात हो चुकी है, यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर आ सकता है क्योंकि हमारी वही हॉरर वर्ल्ड है। ओके पीछे तो कोई नहीं है ना गाइज। अरे गाइज फिर से यहाँ पर, ओ भाई साहब ये क्या है, ये तो कोई अलग चीज़ है गाइज, अरे ये तो स्कैरी मून है गाइज, मैंने इसके बारे में यूट्यूब पे देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये तो गाइज बहुत ही बड़ा मून होता है गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मॉन्स्टर टाइप होता है ये। ओके अरे यार ये तो हमारे पीछे आ रहा है गाइज, ये तो स्कैरी मून है यार, यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसकी इसकी शक्ल देखो कितनी बेकार है आज। अरे मेरे पीछे क्यों आ रहा है यार, मुझे क्यों मारना चाहता है तू अब, अरे जाके आसमान में चमकना।
अब सॉरी रात हो रही है तो रात में चमकना गाइस। अरे यार ये हमारे पीछे आ रहा है, चल यहाँ पर चला तो ये यहाँ पर नहीं आ पाएगा गाइस मेरे पीछे, ऊपर तो ये चढ़ ही नहीं पाएगा सीढ़ियों से। और भाई साहब ये तो उड़ भी सकता है, ये मैं तो भूल ही गया था, ये तो उड़ भी सकता है गाइस, इस बार हमें ये मार देगा यार। नहीं भाई, तो गाइस उस मॉन्स्टर ने तो हमें मार दिया था और बहुत ज़्यादा रात भी हो चुकी है, तो मैंने सोचा जल्दी से अपने सारे जो मेरे पटेटो यहाँ पर उग चुके हैं तो उन्हें तोड़ लेता हूँ। गाइस आधी रात हो चुकी है, यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर आ सकता है क्योंकि हमारी वही हॉरर वर्ल्ड है। ओके पीछे तो कोई नहीं है ना गाइस। अरे गाइस फिर से यहाँ पर, ओ भाई साहब ये क्या है, ये तो कोई अलग चीज़ है गाइस। अरे ये तो स्कैरी मून है गाइस, मैंने इसके बारे में यूट्यूब पे देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये तो गाइस बहुत ही बड़ा मून होता है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मॉन्स्टर टाइप होता है ये। ओके अरे यार ये तो हमारे पीछे ही आ रहा है गाइस, ये तो स्कैरी मून है यार। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसकी इसकी शक्ल देखो कितनी बेकार है यार। अरे मेरे पीछे क्यों आ रहा है यार, मुझे क्यों मारना चाहता है तू अब? अरे जाके आसमान में चमकना, वो सॉरी रात हो रही है तो रात में चमकना गाइस। अरे यार ये हमारे पीछे आ रहा है, चल यहाँ पर चला तो ये यहाँ पर नहीं आ पाएगा गाइस मेरे पीछे, ऊपर तो ये चढ़ ही नहीं पाएगा सीढ़ियों से। ओ भाई साहब ये तो उड़ भी सकता है, ये मैं तो भूल ही गया था, ये तो उड़ भी सकता है गाइस, इस बार हमें ये मार देगा यार। नहीं भाई, तो गाइस हमारी डे टू हो चुका है, सॉरी नाइट टू हो चुका है, लेकिन भाई पता नहीं इसने मुझे मार के कौन सी वर्ल्ड में भेज दिया है यार। ये मोमो भी ना भाई, इसने उस नूब ने ना मुझे गलत फंसा दिया। ये देखना यहाँ पर कितने स्कल्स पड़े हुए हैं, बहुत भूतिया गाँव है यार। ये तो पता नहीं कहाँ कौन सी डायमेंशन में भेज दिया भाई इस मोमो ने। अरे यार खेती वेती भी हो रखी है, लेकिन लग रहा है इस मोमो ने सारे विलेजर्स को यहाँ पर मार के रखा हुआ है, खून वून भी फैला पड़ा है यार वो तो। अरे भाई साहब यार ये क्या है यार, यहाँ तो बहुत अंधेरा हो रखा है यार, मैं क्या करूँ, यहाँ से जाऊँ कैसे यार? हर हर घर में गाइस यहाँ पर खून पड़ा हुआ है और स्कल्स भी हैं, उनकी हड्डियाँ भी हैं पड़ी हुई हैं यार, विलेजर्स की हड्डी। ओ भाई साहब ये क्या अंदर, अरे यार यहाँ तो पेंटिंग्स वेंटिंग्स भी लगी हुई है यार, हड्डियों का ढेर है यहाँ पर। ये दूसरी टॉर्च भी लगी हुई है यहाँ पर, पता नहीं कौन सी टॉर्च है। ये देखो गाइस यहाँ पर स्कल्स की बरसात हो रखी है। अरे भाई साहब नहीं, नहीं नहीं, अरे ये तो यहाँ भी आ गई, नहीं ये ले शॉटगन भाई। ओ भाई साहब आखिरकार मैंने इसे मार ही दिया यहाँ पर, लेकिन गाइस खुश होने की बात नहीं है, दोबारा से भी आ सकती है, देखते हैं क्या होता है अब आगे। स्टार लाना पड़ेगा जब ये वो स्वाट दे पाता है। ओके तो गाइस हम नेदर स्टार की खोज में निकलते हैं। ओ वो रहा गाइस हमारा नेदर स्टार जो कि रैबिट के पास है, और ये रैबिट बहुत फुदकता है, आप सभी को पता है इससे नेदर स्टार लेना कितना मुश्किल है, तो जल्दी से इसके पीछे पड़ते हैं। ओके ओके अब यार कहाँ भाग रहा है यार, दे दे चुपचाप। अरे यार ये म्यूटेंट ज़ॉम्बी क्यों आ गया भाई यहाँ पर, कोई ना कोई रुकावट गाइस आ रही है यहाँ पर, कोई भागो यार यहाँ से, भागो भागो जल्दी भागो। अरे नेदर स्टार भाग रहा है, जल्दी आओ। अरे ये म्यूटेंट ज़ॉम्बी तो हमारे पीछे पड़ गए, तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा यार। नेदर स्टार भाग रहा है, जल्दी आ जाओ, भाग भाग कर यार, चलो 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 चलो। अरे वो आ नहीं पाएगा यहाँ पर, चलो आ नहीं पाएगा। ओके ओ भाई साहब यहाँ पर हमें नेदर स्टार नहीं मिल रहा है गाइस, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, वो भाग चुका है हमारी नज़रों से उस म्यूटेंट ज़ॉम्बी की तरह। ओ भाई साहब ये कौन है, अरे ये कौन,